हेलो दोस्तों, हम में से ज़्यादातर लोग लाइफ में कुछ बड़ा अचीव नहीं कर पाते या बहुत कम लोग सक्सेस अचीव कर पाते हैं। इसका रीज़न है हमारी सोच का लिमिटेड रह जाना। तो दोस्तों, आज मैं आपको द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग बुक में से कुछ ऐसे आइडिया शेयर करूँगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि क्यों बहुत कम लोग सक्सेस अचीव कर पाते हैं। आप लाइफ में वो सब अचीव कर सकते हो जो भी आप चाहते हो। सक्सेसफुल लोग ऐसा क्या अलग करते हैं जो उन्हें हम सबसे अलग करता है? क्या वो ज़्यादा एजुकेटेड हैं या ज़्यादा हेल्दी हैं या ज़्यादा स्मार्टर हैं? ऑथर बताते हैं कि लाइफ में कुछ भी अचीव करने के लिए बड़ी सोच का होना सबसे इंपॉर्टेंट है। सो आइडिया नंबर वन, थिंक बिग। सक्सेस के लिए फर्स्ट स्टेप होता है कुछ बड़ा सोचना, लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग कुछ बड़ा करने का सोचते ही नहीं हैं। उन्हें लगता है कि ज़्यादा पैसे कमाना, सक्सेसफुल होना उनके बस का नहीं है, और इसी छोटी सोच की वजह से वो अपनी लाइफ में कभी कुछ बड़ा अचीव नहीं कर पाते। आपने बहुत से लोगों को ये कहते सुना होगा कि वो बिजनेस मेरे बस का नहीं है, वो तो सिर्फ टैलेंटेड लोग करते हैं, या वो जॉब मैं नहीं कर सकता, मैं उसके लायक नहीं हूँ। ये की रीज़न है जिसकी वजह से आप अपने माइंड को लिमिटेड कर देते हो, जिसकी वजह से फिर आपका माइंड आपको कोई एक्शन नहीं लेने देगा कुछ बड़ा अचीव करने के लिए। ऑथर बताते हैं कि हमारे अंदर 100% पोटेंशियल होता है हर उस चीज़ को अचीव करने का जो भी आप सोच सकते हो। बस ज़रूरत है उस पोटेंशियल को पहचानने की। तो आप भी अपने उस लिमिटेड दायरे से बाहर आइए और कुछ बड़ा अचीव करने की सोचिए। आइडिया नंबर टू, बिलीव। अपने ऊपर एक स्ट्रॉन्ग बिलीव रखो। जो कुछ भी आपने बड़ा सोचा है उससे आप एक दिन अचीव करोगे ही, चाहे जो भी हो जाए। बट ज़्यादातर लोग सिर्फ विश करते हैं, अपने ऊपर बिलीव नहीं करते, क्योंकि उन्हें विश और बिलीव में डिफरेंस नहीं पता। फॉर एग्ज़ाम्पल, दो दोस्त बातें कर रहे थे, तभी वहाँ से एक ब्यूटीफुल रेड कलर की फरारी गई। ये देखकर पहला फ्रेंड बोलता है कि काश मेरे पास भी ऐसी कार होती। दूसरा फ्रेंड बोलता है कि एक दिन पक्का मैं ये कार खरीदूंगा। अब जो पहले फ्रेंड ने कहा वो थी एक विश, और दूसरे ने जो कहा वो था एक स्ट्रॉन्ग बिलीव, और पहला वाला फ्रेंड उस कार को कभी नहीं खरीद पाएगा, जबकि दूसरा वाला फ्रेंड उस कार को फ्यूचर में कभी ना कभी खरीद लेगा, बिकॉज ये उसका स्ट्रॉन्ग बिलीव है। हम में से ज़्यादातर लोग यही करते हैं, उन्हें अपने ऊपर बिलीव ही नहीं होता कि वो लाइफ में कुछ अचीव भी कर सकते हैं, और रियलिटी में उनके साथ फिर वही होता है। सो अगर आपको लाइफ में कुछ अचीव करना है तो पहले डिसाइड करो कि क्या बड़ा अचीव करना है, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग बिलीव रखो अपने ऊपर कि आप वो एक दिन अचीव करके ही रहोगे चाहे कुछ भी हो जाए। आइडिया नंबर थ्री, एक्सक्यूजाइटिस। आपके दिमाग में एक बिज़नेस आइडिया आया, सडनली उस बिज़नेस को ना करने के भी बहाने आ जाते हैं, लाइक मेरे पास पैसा नहीं है, मैं औरों की तरह इंटेलिजेंट नहीं हूँ, कंपटीशन बहुत है, या मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ऑथर बोलते हैं कि ये एक बीमारी है जिसे उन्होंने एक्सक्यूजाइटिस नाम दिया, मतलब किसी काम को ना करने के बहाने बनाना। अब हम में से ज़्यादातर लोग लाइफ में कुछ बड़ा अचीव नहीं कर पाते बिकॉज उन्हें एक्सक्यूजाइटिस नाम की बीमारी है, जो ज़्यादातर अनसक्सेसफुल लोगों में पाई जाती है। सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों में एक बड़ा डिफरेंस होता है उनके एटीट्यूड का। जितना ज़्यादा एक इंसान सक्सेसफुल होगा उतना ही कम एक्सक्यूज़ बनाएगा, और जितना ज़्यादा अनसक्सेसफुल होगा उतना ज़्यादा एक्सक्यूज़ बनाएगा। इसलिए एक्सक्यूज़ देने के बजाय उसके कारण ढूंढने की कोशिश करो, और अपने काम में पॉजिटिव फोकस करो, और अपने गोल्स के लिए जो हार्डवर्क करना है उसमें जुट जाओ। आइडिया नंबर फोर, कम आउट ऑफ इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। खुद की इंटेलिजेंसी को कभी दूसरों से कम ना समझें, और दूसरों की इंटेलिजेंसी को ज़रूरत से ज़्यादा ना समझें। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपनी इंटेलिजेंसी को किस तरह सही यूज़ करते हो। अपनी क्वालिटी को ढूंढिए, और इस बात से परेशान ना हो कि आपका IQ कम है, बल्कि अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव रखो। आइडिया नंबर फाइव, स्टार्ट योर वर्क। आप वो काम करो जो आप फ्यूचर में करना चाहते हो। जब आप अपने दिमाग को नेगेटिव कर लेते हो और ये सोचते हो कि अब तो टाइम निकल चुका है या अभी मेरी एज बहुत कम है, तो कॉलोनेल हार्लैंड सैंडर्स ने 62 साल की एज में KFC स्टार्ट की थी, और मार्क जुगरबर्ग ने सिर्फ 20 साल की एज में फेसबुक स्टार्ट कर दिया था। तो आप ये सोचना छोड़ दें कि टाइम निकल चुका है या मेरी एज बहुत कम है, ये फेलियर्स की सोच है। इसके बजाय ये सोचो कि अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ और मेरा बेस्ट ईयर अभी आना बाकी है। ये बातें मैंने आपको द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग बुक में से बताई हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को ऐसे ही और मोटिवेशनल वीडियोज़ देखने के लिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।